केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। शहर के गली मोहल्लों में खुले ओयो होटल से निकलकर अब गैर कानूनी धंधे कैफे हाउस तक पहुंच चुके हैं। इव्स पेट्रोल पंप के निकट फेस्ट हाउस कैफे में पुलिस द्वारा मारे गए छापे में आपत्तिजनक हालत में एक युगल पकड़ा गया, जबकि बाकी समय रहते भागने में सफल रहे। क्षेत्रीय भाजपा पार्षद उत्तम सैनी की शिकायत पर मारे गए इस छापे में पुलिस को कैफे में बने एक कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। क्षेत्रीय भाजपा पार्षद उत्तम सैनी का आरोप है कि पूर्व में भी इस कैफे पर छापा पड़ चुका है, बावजूद इसके यहां असामाजिक गतिविधियां जारी रहती हैं। क्षेत्रीय नागरिक इसका बराबर विरोध करते आ रहे हैं। देखिए, ये है, यहां से निकाले हैं 3-4 जने। यहाँ पर जो क्षेत्र के लोगों की शिकायत है, यहाँ कई महीनों से यहाँ पर कैफे न चल रहा है और इसका जो संचालक है वो यहाँ पर छोटी छोटी इस बारे में क्षेत्रीय भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने यह जानकारी दी। मेरा नाम उत्तम सैनी और मैं यहाँ का पार्षद हूँ इस क्षेत्र का। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर कई महीनों से कैफे चलता है, उसके अंदर स्कूलों के टाइम के समय में स्कूलों की ड्रेस में लड़के यहाँ पर आते हैं और आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ पर सिगरेट पीना, शराब पीना और यहाँ छोटे छोटे कैबिन उन लोगों ने बना रखे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है, लड़के उसमें बैठ कर गलत काम करते हैं। और एक उन्होंने कमरा भी बना रखा जिसको अलग से चार्ज लेते हैं घंटों के हिसाब से, उसके अंदर एक अंदर कमरा बंद करके आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जब मौके पर पहुंचे, आज जब शिकायत मिलने के बाद जब हम पहुंचे तो देखा स्कूलों की ड्रेस में लड़के यहाँ पर सिगरेट विगरेट पी रही थी। उसके बाद कमरे के अंदर से एक लड़का लड़की भी वहां से अंदर कमरे के अंदर घुसे हुए थे। जब वहां गए तो लड़के आप स्ट्रीम में पड़े थे वहां पे, तो उनके भी यहाँ पर इसका फ्री हाउस कैफे है, ट्री हाउस कैफे करके नाम है इसका। इसका मालिक का पता नहीं, लेकिन जो इसका वो है मैनेजर वो कोई सलमान ऐसी कुछ उसका नाम है जो मैनेजर है। यहाँ से 2-3 लोगों के पकड़ के ले गए, बाकी सब लोग यहाँ से भग गए एकदम से। यहाँ पे जो चाप पड़ा उसकी वीडियो फुटेज सब है यहाँ पे। यहाँ लगातार यहाँ की शिकायत है, पहले भी इस पर कंप्लेंट हुई थी, इस पर छापा पड़ा था, लेकिन इसको बंद नहीं करा गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।